Hello and welcome you all to a new session on AgriLearners platform. Hi, this is Sonali, your mentor on agriguru.in. So today we are going to discuss an important current affairs topic which is based on fisheries. A सिलाकांत फेस हैज बीन रीडिस्कवर्ड इन इंडियन ओशन, तो उसी के बारे में आज थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। सिलाकांत क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसी बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो टॉपिक है, द इंडियन एक्सप्रेस में 18 मई 2021 को एक न्यूज आया था। द सिलाकांत फिश वंस बिलीव्ड टू बी एक्सटिंक्ट फाउंड अलाइव इन इंडियन ओशन। सिलाकांत फिश जो 1938 में एक फर्स्ट लिविंग सिलाकांत को कैच किया गया था उस टाइम के एक ग्रुप ऑफ फिशरमैन के थ्रू। तो अभी सोचा जाता था कि इसका कोई भी लिविंग स्पेसिस नॉट ऑन दिस अर्थ टिल डेट, बट ये फिर से रिसर्फेस होने का एविडेंस मिला है माडागास्कर की कोस्ट में। तो उसी बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे उसकी इमेज देख सकते हैं, एक प्रिजर्व्ड सिलाकांत है ये। इसका जो ऊपर का हिस्सा है या फिर आप बोल सकते हैं कि हेड टू लेके एब्डोमेन तक का हिस्सा है, वो ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू फिशेस, लेकिन इसके टेल के रीजन में आपको थोड़ा यूनिकनेस मोस्टली दिख रहा होगा और इससे ही पता चलता है कि ये स्पेसिस क्यों इतना यूनिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। सिलाकांत बिलोंग्स टू द ऑर्डर सिलाकांथी फॉर्मिस। सो ये एक फिश का ऑर्डर होता है। हमारे एक्टिनोप्टेरिस एंड सार्कोप्टेरिस करके दो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं फिशरीज वर्ल्ड में। तो एक्टिनोप्टेरिस जो है वो रिसेंट मॉडर्न डे फिशेस उसकी कैटेगरी में आते हैं और जो सार्कोप्टेरिजी होते हैं वो एंशिएंट फिशेस की ऑर्डर होते हैं। बिलीव किया जाता है कि दिस फिश हैज बीन ओरिजिनेटेड बिफोर 420 मिलियन ईयर्स एगो, व्हिच वाज वेरी मच सिमिलर विद द ओरिजिन ऑफ डायनासोर्स। और कुछ लिटरेचर में ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये डायनासोर के ऊपर प्रे करता था, लेकिन ये डायनासोर का प्रेडेटर था, ऐसा कोई पर्टिकुलरली एविडेंस हमें मैं जितने लिटरेचर पढ़ी उसमें मुझे नहीं मिला, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन किया गया है। तो दूसरी थिंग ये है ए फॉसिल फिश फोर लेग्ड फिश इन कॉमन। जैसे मैंने आपको बताया इसके लेग तो नहीं हो सकते, लेकिन जो लोब्स होते हैं दोज आर वेरी मच सिमिलर विद द लेग्स। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लंग फिशेस। अच्छा, लंग फिशेस एक अनदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जिनके लंग्स होते हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनके। मोस्टली फिशेस के बारे में आप क्या जानते हैं, वो गिल के थ्रू रेस्पायर करते हैं और गैस एक्सचेंज के लिए उनके बॉडी में होता है एयर ब्लैडर और गैस ब्लैडर। लेकिन लंग फिशेस एक इतना स्पेशल टाइप का सिग्निफिकेंट स्पेसिस है जिसमें राइट लंग, लेफ्ट लंग, ऐसा लंग्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, नॉट लाइक द ह्यूमन बींग्स लंग। लेकिन जैसे कि एल्वियोली होता है ह्यूमन बींग्स में, उनके लंग फिशेस के लंग्स के अंदर बहुत सारे एयर बबल्स होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। तो ये 1938 सिलाकांत गॉट डिस्कवर्ड इन अफ्रीकन कोस्ट। वो कोमोरो आइलैंड करके एक आइलैंड था, उसी की कोस्ट में ये डिस्कवर किया गया था। That was a member of that genus Latimaria. Another Latimaria menandoensis present in Indonesian water. तो आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है Latimaria chalumnae. वो अफ्रीकन एंड नियर बाय आइलैंड में पाया जाता है और जो इंडोनेशियन की वाटर्स में मिलता है उसको हम बोलते हैं Latimaria menandoensis. So Latimaria chalumnae is again found to be resurfaced in Indian Ocean, once thought to be extinct. 1938 के बाद सोचा गया था कि ये स्पेसिस ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसके फिर से मिलने की वजह से और ये जो जितने भी 2020 से लेकर अभी तक की जितने भी एविडेंस कलेक्ट किया जा चुका है उसी की वजह से इसको एक्सटिंक्ट हटा के एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में प्लेस किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स उसके लाइफ फीचर्स के बारे में। Latimaria लाइव्स इन 100 टू 500 मीटर्स ऑफ डेप्थ इन द डीप सी। ये एक डीप सी ऑर्गेनिज्म है और डीप सी ऑर्गेनिज्म के बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट ये होता है कि उनके आई साइट बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं। मेच्योर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ऑन एन एवरेज, गिव बर्थ टू द यंग वंस कॉल्ड पॉप्स। सो ये विविपारस फिशेस हुए। डीप ब्लू कलर बॉडी, डीप ब्लू या फिर डार्क ब्लू कलर की बॉडी होते हैं क्योंकि ये जो डीप सी में रहते हैं वहां की एनवायरमेंट के साथ कैमोफ्लेज करने में इन लोगों को इजी होगा, इसी वजह से इस तरह का अडैप्टेशन उनमें हुआ है। द रीसेंट रीडिस्कवरी वाज पॉसिबल ड्यू टू डीप सी फिशिंग। तो ऐसा जो न्यूज अकॉर्डिंग टू दोज न्यूज, और डिफरेंट न्यूज़पेपर में आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ फिशरमैन जो कि फिश हंटिंग कर रहे थे, शार्क फिन और ऑयल के लिए शार्क हंटिंग स्पेशली कर रहे थे, वो लोग डीप सी गिल नेट्स को सेट किए थे डीप सी में, उसी में ये स्पेसेस पकड़ा गया है, तो क्योंकि इसकी पुअर आईसाइट है, सो इट कुड नॉट एस्केप फ्रॉम दोज गिल नेट्स. So coelacanths are so important from evolutionary point of view. It may consider as a significant link in the evolution of feces into tetrapods. तो ये evolutionary point of view से बहुत ही important होता है, क्योंकि ऐसा believe किया जाता है, और according to many of the evolutionary theories, तो क्या बोला जाता है, the first life has appeared inside the aqua region और first life evidence found in the oceans. So वहां से लेकर terrestrial region में जैसे amphibians हुए, reptilians हुए, उस तरह की जो evolution की जो steps आगे बढ़ते जा रहे हैं advanced और developed organisms के towards, तो इसको एक significant link माना जाता है. जैसे lung fishes को माना जाता है क्योंकि इसमें fishes का भी feature होता है और terrestrial animal की तरह lungs का भी presence पाया गया है, तो उसी तरह से इसमें भी ऐसे ही features कुछ है जिसकी वजह से सिलाकांथी फॉर्मेस बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सिग्निफिकेंट लिंक इन द इवोल्यूशन ऑफ फिश इनटू टेट्रापॉड्स. तो इस बार जो स्पेसिस रीडिस्कवर हुआ है वो है लैटिमारिया चालुमने. ये एक पिक्चर है जिसमें लैटिमारिया को प्रिजर्व करके रखा गया है म्यूजियम में. आप देख सकते हैं इसके टेल पोर्शन वो थोड़ा डिफरेंट है, और ये जो टेल पोर्शन है जैसे ही इसका है उसी टाइप का, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का टेल और पोर्शन लंग फिशेस में भी पाया जाता है. और लंग फिशेस के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ. अभी लंग फिशेस की सिर्फ 6 लिविंग स्पीसीज ऑन दिस अर्थ अभी प्रेजेंट है, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. तो लंग फिशेस के बारे में अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए या फिर डिटेल में जानने की जरूरत है तो आप कमेंट में हमें फीडबैक में लिख सकते हैं. आई विल मेक ए वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. सो ये था लैटिमारिया चालुमने की रिडिस्कवरी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स. इसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी से हटा के इंडेंजर्ड कैटेगरी में पुट किया जा चुका है. इसका कलर डीप ब्लू और डार्क ब्लू कलर का होता है. ये 4 लोब्ड फॉसिल फिश होता है. तो ये पहली बार कहाँ पकड़ा गया था, 1938 में अफ्रीकन आइलैंड और वहाँ नियर बाई कोस्ट में ये मिलता था. तो अभी इसका होने का जो एविडेंस मिला है इससे पता चलता है कि ये लिविंग स्पेसेस अभी अर्थ में है. और गिल नेट का बहुत ज्यादा यूज, जिसको जरीफा भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, दैट कैन पोज ए थ्रेट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्पेसेस. सो यही था आज का वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.